नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां रणबीर इस समय खुश तो है कि चलो प्राची और सिड की शादी कैंसिल हुई अभी के लिए, लेकिन रणबीर ने हॉस्पिटल में बोल दिया है कि हॉस्पिटल में जो कि लाया तो गया है इस समय इधर रिया को, लेकिन रिया का डीएनए टेस्ट भी मुझे देखना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि शादी के वक्त जिस वक्त प्राची और सिड की शादी हो रही थी उस समय एक पिलर से जो कि सीधा सीधा पिलर लगा था रिया की सिर पर, और सिर पर लगने के बाद में सब लोग जो कि हॉस्पिटल में रिया को लेकर आ चुके हैं, लेकिन रणबीर का दिमाग वहीं पर खनक चुका है और रणबीर ने बोल दिया है कि जब हॉस्पिटल में आए हुए हैं तो हम डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। जिसके बाद में रिया ने बोल दिया था कि डीएनए रिपोर्ट तो पहले ही आ चुकी है प्राची की, अब क्यों? तो जिसके बाद में खुद बोल दिया है रणबीर ने कि मैं प्राची की डीएनए रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट चाहिए। अब दो मिनट की तो बात है, दो मिनट में डीएनए रिपोर्ट भी आ जाएगी। जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मैं प्राची और सिड की शादी नहीं होने दूंगा। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में वाकई में चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि ये शादी तो कैंसिल हो ही गई, लेकिन साथ में आलिया और रिया दोनों ही फूफी भतीजी एक्सपोज होने जा रही हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस शादी रुकने से बहुत ज़्यादा सहाना भी खुश है, सिड भी खुश है और प्राची तो खुश है ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये दोनों खुद भी शादी नहीं करना चाहते थे प्राची और सिड। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब रिया की दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं कि आखिरकार हमारी पोल पट्टी क्यों सामने आ रही है, ऐसा ही हादसा हमारे साथ में क्यों हो रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि अब रिया भड़कती हुई नज़र आने वाली है आलिया के ऊपर कि कुछ भी करो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मेरी डीएनए रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसे कैसे आ सकती है, क्योंकि रणबीर भी अब हॉस्पिटल में मौजूद है। साथ ही दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा इस कैसी लगी मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।